जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में कि तुगलक वंश का जो शासनकाल था वो भारत में कहां कहां पर विस्तार था और कहां कहां पर क्या उन्होंने अपने साम्राज्य की नींव को रखा था। तो इससे पिछली जो वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली थी तो उसमें क्या हमने खिलजी वंश के बारे में पढ़ा था कि खिलजी वंश का भी शासनकाल भारत में कहाँ कहाँ पर था और उसमें कौन कौन से शासक रहे थे। तो उसमें हमने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, और भी कई शासक आए थे परंतु मुख्य जो शासक थे उनके उनसे संबंधित जितने भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे हमने उस वीडियो में हमने उन्हें देखा था। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें जो तुगलक वंश था हमारा, इसका जो समय काल था, इसका समय काल क्या था। इसका समय काल था 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक क्या है इसका समय काल था। और ये क्या है, तीसरा शासक वंश था दिल्ली सल्तनत में। पहला था गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद, पांचवा लोधी वंश। तो तीसरा जो शासक वंश था वो कौन सा था, वो तुगलक वंश था। तुगलक वंश के बारे में अगर बेसिक इंफॉर्मेशन बताऊं तो जब से जो सबसे सबसे अधिक समय के लिए शासन किया, यानी कि पूरे दिल्ली सल्तनत में जो सबसे अधिक समय के लिए शासन किया वो किया था तुगलक वंश के शासकों ने। तो इसमें जो शासक हैं, मैंने यहाँ पर क्या एक ग्राफ बना रखा है, तो इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखे हुए हैं इस तरफ शासक लिखे हुए हैं, यानी कि जो तुगलक वंश में क्या है कौन कौन से मुख्य जो शासक थे वो रहे थे, और इस तरफ लिखा हुआ है मैंने उनके समय से समय काल कि उन्होंने क्या है कितने समय तक अपने साम्राज्य में शासन किया था। इसमें हमें सबसे पहले बात कर लेते हैं हम तुगलक ग्यासुद्दीन तुगलक की। ग्यासुद्दीन तुगलक क्या थे, तुगलक वंश के क्या है संस्थापक थे, और जिनका जो शासन काल है क्या है 1320 ईस्वी से क्या है 1325 ईस्वी तक इनका समय काल माना जाता है। ग्यासुद्दीन तुगलक ने क्या है तुगलक वंश की स्थापना करी, और जो प्रथम शासक जो थे तुगलक वंश के वो यही थे। उसके बाद जो नेक्स्ट थे वो कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक, उनका जो समय काल था वो क्या था 1325 ईस्वी से लेकर क्या है 1351 ईस्वी तक। उसके बाद फिरोजशाह तुगलक, फिरोजशाह तुगलक का जो समय काल था वो था 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक। तो ये मैंने क्या है इसमें क्या मुख्य मुख्य शासक लिखे हुए हैं, बाकी और भी क्या है जो शासन काल में क्या छोटे मोटे कई शासक आए थे परंतु उनका इतना वर्णन जो इतिहास में क्या है नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में। मैंने आपको बता दिया संस्थापक थे तुगलक वंश के, और इनका जो अन्य नाम था क्या था गाजी मलिक, यानी कि इनको क्या है गाजी मलिक के नाम से भी जानते थे। इन्होंने अपने शासनकाल में कई ऐसे कार्य किए जिससे क्या है इतिहास में इनका वर्णन मिलता है काफी। इन्होंने क्या है खेती की सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया, यानी कि जो पूरे दिल्ली सल्तनत काल में जितने भी पांच शासक शासन वंश रहे थे तो उनमें से सर्वप्रथम जो शासक थे जिन्होंने क्या है खेती के लिए यानी कि किसानों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यानी कि उनकी दशा को सुधारने के लिए नहरों का निर्माण करवाया सिंचाई की करवाने के लिए। इन्होंने क्या है डाक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, यानी कि पिछले समय में आज के समय में क्या है मोबाइल है काफी सोशल मीडिया है आप किसी भी उसके थ्रू क्या है अपने जो संदेश है जो मैसेज है उसको भेज सकते हो इधर से उधर, लेकिन उस समय में ऐसे कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इन्होंने क्या है डाक व्यवस्था जो उस समय क्या डाक व्यवस्था थी उसको सुदृढ़ किया काफी। और इन्होंने क्या अमीरों की भूमि पुनः लौटाई, यानी कि इनसे जो पिछला वंश था कौन सा था खिलजी वंश था, तो खिलजी वंश में जो अलाउद्दीन खिलजी शासक था उसके समय में जब क्या विद्रोह हुए थे काफी सारे उसके समय में, तो विद्रोह के समय उसने क्या करा था जो उसके शासनकाल में जितने भी क्या अमीर जो व्यक्ति थे जितने भी उनसे क्या है उनकी भूमियां क्या है वापस ले ली थी ताकि क्या है कोई विद्रोह की कोई ऐसी स्थिति ना हो उत्पन्न हो। तो उस समय क्या है जो भूमि उनसे छीनी गई थी, तो जो तुगलक वंश में जो ग्यासुद्दीन तुगलक था इसने क्या है जितनी भी भूमि थी जिन अमीरों की जितनी भूमि ली गई थी उन्हें क्या है वह भूमि क्या वापस लौटाई। सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया ये मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद अलाउद्दीन जो खिलजी था अलाउद्दीन खिलजी शासक था इससे जो पिछला वंश था उसने क्या एक दो प्रथाएं चलाई थी, एक घोड़ा दागने की, दूसरा चेहरा प्रथा, यानी कि जो सैनिक होते थे उनका हुलिया लिखने की, यानी कि कोई सैनिक काला है गोरा है या और लंबा है हाइट में छोटा है तो उनका क्या हुलिया लिखा जाता था। तो दो प्रथाएं चलाई थी, एक तो घोड़ा दागने की और दूसरी चेहरा प्रथा लिखने की। तो इन दोनों जो जो इनने नीति चलाई थी इसको क्या प्रभावी तरीके से लागू किया था किसने ग्यासुद्दीन तुगलक ने। उसके बाद ग्यासुद्दीन तुगलक ने क्या है अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए भारत में क्या है साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई सैन्य अभियान भी चलाए थे। सैन्य अभियान हम देख लेते हैं, पहला जो अभियान इसने चलाया वह कौन सा अभियान था, तेलंगाना विजय।
यानी कि भारत के अंदर क्या तेलंगाना जगह है, आप सभी जानते हो। तेलंगाना विजय अभियान चलाया था वो जूना खान के नेतृत्व में, यानी कि जूना खान कौन था, इसी का पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक था। तो इसी का नाम क्या था, जूना खान नाम था पहले, जब ये इसने दिल्ली सल्तनत किया, गद्दी पर ये बैठा तो इसने इसका नाम क्या रख गया, मोहम्मद बिन तुगलक इसका नाम पड़ गया। जूना खान के नेतृत्व में क्या है तेलंगाना विजय भेजा, वहां पर क्या है इसने विजय प्राप्त करी। दूसरे जो सैन्य अभियान करा था वो क्या था, जूना खान ने त्रुति विजय, यानी कि एक अभियान भेजा था त्रुति विजय के लिए, वहां पर क्या था मंगलों पर विजय, यानी कि जो मंगोल थे जो क्या है काफी मात्रा में क्या है काफी शासक थे, जो नए नए जितने भी जो शासक वंश थे उन पे क्या उनपे आक्रमण करते थे और वहां पे क्या अपना साम्राज्य का विस्तार किया करते थे, तो उनसे भी क्या है इन्होंने विजय प्राप्त की थी, मंगोलों पर भी विजय प्राप्त करी थी। किसने, ग्यासुद्दीन तुगलक ने, इस नेतृत्व में भी क्या है इसने ग्यासुद्दीन तुगलक, यानी कि जूना खान को भी भेजा था इस विजय के लिए भी। तो इसने क्या है, मैं आपको बता दें सैन्य अभियान में एक तेलंगाना विजय, दूसरा त्रिभुति विजय, और तीसरे की हम बात करते हैं एक चलाया था इसने बंगाल अभियान। बंगाल अभियान जो चलाया था उसमें क्या है मोहम्मद बिन तुगलक क्या स्वयं गया था, यानी कि वह खुद गया था, और उस समय एक निजामुद्दीन औलिया, यानी कि दिल्ली में रहते थे निजामुद्दीन औलिया, उसको इसने संदेश भेजा था कि तुम दिल्ली को छोड़ दो, यानी कि दिल्ली को यहां से दिल्ली से भाग जाओ। तो निजामुद्दीन औलिया ने क्या इन्हें संदेश भेजा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो इस तरीके की एक इसकी कहानी भी है, तो उस कहानी पर न जाता हूँ मैं आपको आगे की बताता हूँ। इसमें इसकी मृत्यु, यानी कि जब ये बंगाल अभियान से, जब बंगाल अभियान से क्या है यह विजय प्राप्त करके क्या वापिस आ रहा था, तो तुगलकाबाद, यानी कि दिल्ली में तुगलकाबाद जो है, तुगलकाबाद से लगभग क्या है 8 किलोमीटर दूर एक महल है, उसमें क्या है एंटर, जैसे इसने उसमें प्रवेश किया तो महल क्या है गिर गया, और महल गिरने की वजह से महल में दबकर क्या है लगभग 1325 ईस्वी, यानी कि 1325 ईस्वी में क्या है जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसकी क्या है मृत्यु हो गई। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका मकबरा, यानी कि इसका मकबरा जो है वो कहां पर है, तुगलकाबाद में, यानी कि तुगलकाबाद में क्या है इसका मकबरा है। जब मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि सॉरी जो ग्यासुद्दीन तुगलक थे, ग्यासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हो गई, यानी कि इनकी मृत्यु होने के बाद में अगले जो शासक बने वो कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक, इसका जो पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक, इसका जो समय काल है वो 1325 ईस्वी से लेकर क्या है 1351 ईस्वी तक इसका समय काल माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक जब शासक बना तो जो दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे उनमें क्या है सर्वाधिक जो विद्वान शासक था वो कौन था, वो यही था। परंतु इसकी क्या है कुछ ऐसी इसने योजनाएं भी चलाई थी जिसकी वजह से क्या है इसको क्रूर संघ की पागल और रक्त पिपासु, यानी कि रक्त पिपासु यह भी इसको क्या है कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसने क्या है कई अपने साम्राज्य शासन काल में क्या है ऐसी कई योजनाएं चलाई थी जिसकी वजह से क्या है इसको क्रूर संघ की और रक्त पिपासु पागल कहा जाता था। परंतु वैसे ये था तो काफी सर्वाधिक विद्यमान, यानी कि दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे उसमें सर्वाधिक विद्यमान यही था। परंतु इसने क्या है कई सारी ऐसी योजनाएं चलाई जिसकी वजह से इसको क्या है रक्त पिपासु और पागल कहा जाता था। तो वह कौन कौन सी योजनाएं थी वो योजनाएं हम देख लेते हैं। मैंने आपको इसमें बताई थी एक अन्य नाम इसका क्या था, जूना खान, इसका क्या है अन्य नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का। उसके बाद योजनाएं हम देख लेते हैं कौन कौन सी योजनाएं थी। एक इसने चलाई थी दोआब कर में वृद्धि करना, यानी कि दोआब का एक क्षेत्र था वहां पर क्या इसने कर में वृद्धि की थी, तो उस योजना के कारण भी क्या है इसको क्रूर संघ की कहते थे। दूसरी राजधानी परिवर्तन की योजना, तीसरा प्रतीक मुद्रा योजना, चौथा खुरासान अभियान, और पांचवा क्या थी कराचील अभियान योजना, यानी कि कराचील अभियान योजना इसने चलाई थी। इन सभी योजनाओं की वजह से क्या है इसको क्रूर संघ की और पागल कहते थे। तो अब हम देख लेते हैं जो इसने ये योजनाएं चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो इन योजनाओं में क्या क्या था, क्या क्या थी, और कैसे कैसे ये योजनाएं असफल हुई और जिसकी वजह से क्या इसको क्रूर संघ की कहा जाता था।